के वक्त MiG-21 की रफ्तार 320 से 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। और लैंडिंग के वक्त भी इस फाइटर की स्पीड किसी हालत में 300 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होती, जबकि सुखोई तरीके प्लेन की भी लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे होती है। अब समझना आसान है कि मिग की हैंडलिंग कितनी मुश्किल होगी। परेशानी कॉकपिट की भी है, जो डिजिटल की बजाय एनालॉग है, पर पायलट के लिए ये मौका है अपना हुनर दिखाने का। MiG-21 में आपकी खुद की फ्लाइंग स्किल है, एक आरटी है और ग्राउंड कंट्रोलर है, वो आपको बैड वेदर में लेके आ रहा है, तो आपकी खुद की फ्लाइंग स्किल अच्छी होनी चाहिए MiG-21 में। अगर आप इसमें चूक गए तभी एक्सीडेंट होता है, नहीं तो नहीं होता। पर दुश्मन पर भारी पड़ने वाले मिग कई बार अपनों पर भारी पड़ते दिखते हैं। पुरानी तकनीक दर्जनों बड़े हादसे करा चुकी है। ज्यादातर हादसे मानवीय भूल, तकनीकी खामी और आसपास बिखरी गंदगी से हुए। ऊपर से बर्ड हिट भी बड़ी वजह रही। हवाई जहाज रिलायबल है, पायलट ट्रेनिंग है, एंड हाउ सीरियस आर यू अबाउट इट, दैट इज व्हाट मैटर्स। ये बात है, गलत है कि ये एक्सीडेंट प्रोन एयरक्राफ्ट है, या जैसे स्टार फाइटर को कभी कहते थे विडो मेकर, तो वो बात बिल्कुल गलत है। मिग पुराना हो चला है लेकिन धार कुंद नहीं हुई। मिसाइल हो या बम, इसे हर चीज से लैस किया जा सकता है। F-24 रॉकेट बेसिकली ग्राउंड टारगेट्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है, एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर पेनिट्रेशन रोल ऑल्सो। मतलब किस तरह के ग्राउंड टारगेट को हिट करता है, बहुत एक्यूरेसी कैसी होती है? एक्यूरेसी वाइज ये बहुत ही स्ट्रांग है, और ये रनवे डैमेज करने के लिए, टैक्सी ट्रैक डैमेज करने के लिए, या कहीं पर आर्मेंट वगैरह का स्टोर है उसको डैमेज करने के लिए ये काफ़ी घातक सिद्ध होता है। इसके अलावा MiG-21 में एक ये रॉकेट 57 mm है, ये एयर टू एयर टारगेट्स के लिए यूज होता है, और एयर टू ग्राउंड टारगेट्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका फ्यूज है और ये इसका पूरी बॉडी है। अच्छा, तो इसमें इस रॉकेट में उस रॉकेट में क्या फर्क होता है? ये रॉकेट बेसिकली स्मॉल टारगेट्स और छोटे हाँ एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर एयरक्राफ्ट में डैमेज करने के लिए होता है, जबकि ये हार्डन सरफेसेस जो होते हैं जिस तरीके से या जी, ये एक बॉम्ब है और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 500 kg होता है। ये बॉम्ब बेसिकली जनरल बम्बार्डमेंट और कभी कभी पेनिट्रेशन रोल के लिए भी यूज किया जाता है। एक बार जब बॉम्ब ये गिरता है उसके बाद इसका शॉक इफेक्ट और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इट कैन कवर एन एरिया ऑफ अराउंड 400 meters to 1 kilometer। लेकिन दाद तो वायुसेना की जुगाड़ तकनीक की भी देनी होगी, जिसने MiG-21 को आज भी ऑपरेशनल बनाए रखा है। अगर इस इंजन के एक भी ब्लेड में परमिसिबल 5 डेंट से 5 निक से ऊपर हैं, तो ये पूरा इंजन निकल जाएगा।
और पूरा इंजन की जगह दूसरा इंजन लगाना पड़ेगा, जबकि नए टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट में फैसिलिटी होती है कि मॉडुलर कॉन्सेप्ट होता है, आप सिर्फ इतना पोर्शन निकाल देंगे जितना खराब है और फिर फिट कर देंगे। वहीं पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले ग्राउंड स्टाफ की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी जान से लगे रहते हैं ताकि हम जो एयरक्राफ्ट और एक मनुष्य ह्यूमन ऊपर भेजते हैं उसकी वापस लाने की गारंटी रखते हैं। तो क्या आप लोग को गलती का गुंजाइश होती है? कोई गलती हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक बहुत बेस कीमती हमारे इक्विपमेंट भी होता है, प्लस एक पायलट की लाइफ जिसकी कोई कीमत नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी पायलट। कुछ यही भरोसा दिखता है उन बीवियों में जिनके शौहर मिग 21 उड़ाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट करनी सिंह राठौड़ की पत्नी कविता ने तो उन्हें पसंद ही नहीं किया होता अगर वो मिग नहीं उड़ा रहे होते। उसी से इम्प्रेस हो गए हमारे परिवार वाले। पहली बार जब मिली तभी एंगेजमेंट भी हो गई, उसके 6 महीने बाद शादी हुई, तो टोटली अरेंज मैरिज। और बहुत गर्व महसूस होता है फाइटर पायलट की बीवी बनके। डर लगता है? डर शुरू में जब शादी नहीं हुई थी तब लगता था थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पर अब जब देखते हैं फ्लाइंग करते हुए तो बहुत गर्व महसूस होता है। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुदित की पत्नी बंसुरी को भी फैशन डिजाइनिंग की बजाय एयरबेस का माहौल ज्यादा रास आया। शायद इसीलिए प्यार हो गया क्योंकि मैं 21 फ्लाई करते यूनिफॉर्म के साथ आपने शादी की है। स्मॉल थिंग, यू नो, छोटी से छोटी बात, चाहे उसका नेम टैग लगाना हो या उसके शोल्डर पे विंग लगानी हो, इट इज मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की चीजें जिनसे आप इतनी मतलब इतने अच्छे से जुड़ जाते हैं कि उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट इज लाइक यू कैन जस्ट फील इट, यू कांट एक्सप्रेस इट। यहाँ तक कि करगिल जंग में शहीद हुए मिग 21 के पायलट की पत्नी भी याद करती हैं कि उनके पति को मिग पर कितना फख्र था। मेरे हस्बैंड फाइटर पायलट थे, उन्होंने मिग 21 भी उड़ाया, उन्होंने मिग 23 भी उड़ाया है। सो मुझे तो वैसे सारे एयरक्राफ्ट पसंद है बट मिग 21 उन्होंने मैक्सिमम टाइम उड़ाया है इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है। रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके मिग की मौजूदगी मजबूरी है। अगर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टाइम पर आ जाते तो इनकी विदाई तय थी। देश में पैसे नहीं थे। 1991 के बाद जबकि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, इतनी तरक्की हुई, उसी की बदौलत तो हम लोग यहाँ आज अपना प्लान बना रहे हैं और आगे चल रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो फिर हम कहाँ प्रोग्रेस कर पाते। और ये बात सही है कि अगर हमारे पास नए जहाज होते उस टाइम पर तो शायद हमारा फेज आउट प्लान इससे पहले होता। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे मिग 21 का नया अवतार मिग 21 फाइटन, जिसे अमेरिकी F-16 भी खौफ खाते हैं। एक पुरानी कहावत है, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। लगातार हो रहे मिग हादसों के बाद जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कर इसे अपग्रेड कर दिया गया। अब ये मिग 21 बाइसन कहलाता है, पर देसी टेक्नोलॉजी का बाइसन भी इतना दमदार है कि मैदान में अमेरिकी F-16 का मुकाबला कर सकता है। नया मिग 21 बाइसन हर लिहाज से डेडली है, ग्राउंड अटैक के साथ एयर डिफेंस के लिए भी फिट। जमीन पर मिसाइलें दागनी हो या आसमान में फाइटर को मार गिराना हो, साफ कहें तो मल्टी रोल। इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन को ढूंढ कर मारती हैं। रडार और जहाजों को छकाने के साजो सामान से लैस। हमने पहली इंटरनेशनल एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2004 और सिंडेक्स 2004 में अपना लोहा विश्व को मनवाया तो लोगों को इस बात का यकीन हुआ कि बाइसन एक ऐसा जहाज है जो विश्व में एक अपने में एक मिसाल है और एक ताकत है। बाइसन के पायलट का हेलमेट भी कुछ कम नहीं, जिसमें टारगेट हिट करने के लिए सर को घुमाने की भी जरूरत नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं हेलमेट के ऊपर एक साइटिंग डिवाइस लगा है जिसको कहते हैं हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिवाइस, जिसमें जब मैं उड़ता हूं तो ये राइट मेरे राइट आई के आगे ये शीशा आ जाता है, जबकि और इसमें अंदर इसके अंदर दो सर्कल रहते हैं। और इसको पहनने के बाद ये जो दो सेंसर्स लगे हैं
इसकी मदद से मेरा हेड जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा रडार और मेरे मिसाइल्स देखेंगे। कॉकपिट की काया पैलेट से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, ये सब कुछ एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर दिखाया है। इसका रडार है जिसका नाम है कोपियो, जो कि बहुत लंबी रेंज तक दुश्मन को पकड़ लेता है विद ऑटो लॉक एंड TWS फैसिलिटी। दैट मींस अगर जहाज का रडार ट्रांसमिट कर रहा है और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि उस पर किसी जहाज ने लॉक ऑन कर रखा हो। और ये वो हथियार है जिनके दम पर MiG-21 बाइसन दुश्मनों पर भारी पड़ता है। ये हीट सीकिंग मिसाइल है, ये एयरक्राफ्ट का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करती है। और ये टीवी गाइडेड बोम है, ये पायलट को कॉकपिट के अंदर टारगेट को टीवी इमेज दिखाता है। और कितना एरिया डिस्ट्रॉय करता है ये अराउंड 300 स्क्वायर मीटर एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। बदलावों की लिस्ट इतनी लंबी है कि 50 साल पुराने इस प्लेन में सिर्फ ढांचे को ही पुराना कह सकते हैं। आज से 50 साल पहले इस जहाज को डिजाइन करने वाला जो इंसान था उसकी सोच से आज हम बहुत परे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी सोच अगर धरती पे थी तो हम आज आसमान पे हैं। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मशीन आज भारतीय वायुसेना इस तरीके से दुनिया को छका देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नए जमाने के विमानों के बीच अब मिग की विदाई का वक्त आ गया है। 2017 तक मिग को हटाने का काम पूरा हो जाएगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सलाम कीजिए जिस जमीन पर एक पूरी पीढ़ी पली और बढ़ी, ये उसके आसमां का पहरेदार रहा है। MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड अब सबसे तेज है और ये अपने आप में एक चैलेंज है। मिग के कॉकपिट में मैं जब बैठता हूँ और उठता हूँ, यकीन मानिए मैं भगवान से कम नहीं। इसकी एडवांस एयर टू एयर वेपनरी और हेलमेट माउंटेड साइट के साथ मैं किसी भी दुश्मन जहाज को क्लोज कॉम्बैट में मार गिरा सकता हूँ। मैं इस फाइटर को जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इस फाइटर पर पूरा भरोसा है। कोई कुछ भी कहे, ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का एक बेहतरीन फाइटर जेट है। इस फाइटर के आधुनिक उपकरणों में इतनी ताकत है कि मैं बेझिझक दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने निशाने को और अपने लक्ष्य को भेदकर वापस आ सकता हूँ। करतब और कारनामे से उम्र का पता नहीं चलता। 5 दशक पुराने लेकिन वही चीते सी फुर्ती। किसी जमाने में इनका जोड़ नहीं था पर आज के मिग बेजोड़ नहीं तो बेकार भी नहीं है। भारत ने पिछली 2 बड़ी जीत इनके ही दम पर हासिल की। एक पूरी पीढ़ी इसके डैने तले गुजर गई लेकिन हम शायद भूल गए ये भी एक मशीन है। मशीन जो घिसती है, पुरानी पड़ती है लेकिन ये मिग हैं जो वक्त के साथ बदलना जानते हैं। ये MiG-21 है, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन जिसके लिए आमतौर पर उड़न ताबूत का जुमला इस्तेमाल होने लगा है। अब इसे मिग की बदकिस्मती कहेंगे या मौजूदा पीढ़ी की जो मिग को उसकी उम्र की आखिरी पड़ाव पर देख रहे हैं। पता नहीं जिन्हें 1971 की भारत पाक लड़ाई या फिर करगिल का जंग याद होगा उन्हें मिग का जलवा भी याद होगा। भारतीय ताकत का प्रतीक बन चुके मिग आज भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। नीले आसमां का सीना चीरते MiG-21
इनकी मौजूदगी ने देश को हर खतरे से महफूज रखा है। कलाबाजी ऐसी कि हर कोई दंग रह जाए, और हौसला उन दुश्मनों से पूछिए जो टकरा कर घुटने टेक चुके हैं। चालीस साल पहले दुनिया को पहली बार इंडियन एयरफोर्स की ताकत दिखी, जब भारत ने बांग्लादेश में कार्रवाई की तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन अंबाला तक घुस आए, लेकिन मिग 21 के मैदान में उतरते ही बाजी पलट गई। वेस्टर्न सेक्टर में तो पाकिस्तान ने ही हमारे पर किया था, क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर में हमने किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान ने डिवेट करने के लिए हमको वेस्टर्न में अटैक किया था। तो इनिशियली एक रात को उनका अटैक हुआ था, उसके बाद से फिर वो दोबारा आई ही नहीं थी किसी बेस में, और इसका मेन रीजन मैं ये कहूंगा कि मिग 21 की वजह से ही था। पूर्वी मोर्चे पर मिग 21 की बमबारी ने कहर बरपा दिया, और जब गवर्नर हाउस धूल में मिला तो दुश्मन पस्त हो गया। जो कुछ हमने किया था उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स और उनके डिफेंस फोर्सेस में काफी दहशत बनी हुई थी, क्योंकि ये कैसे हम रात को आके एट नाइट कमिंग एट लो लेवल विदाउट बीइंग सीन और डिटेक्टेड बाय द पाकिस्तानीज कम क्लोज एंड इंक्लूडिंग एक्चुअली ड्रॉपिंग द बॉम्ब्स ऑन द रनवे एंड डैमेजिंग द रनवे। इंडियन एयरफोर्स ने अगर मिग 21 पर भरोसा किया तो वो बेमानी नहीं था। कोई भी मौका, कोई भी मोर्चा, मिग ने हमेशा साथ निभाया। कारगिल ऑल्सो द फ्लाइट कमांडर व्हेन आई टुक पार्ट एंड हम लोगों ने इसमें 150 से ज्यादा सॉर्टीज किया स्क्वाड्रन ने, एंड एक बार भी नॉट अ सिंगल अबॉर्ट, नॉट अ सिंगल फेलियर, सो इट वाज 100% ऑन टारगेट ऑन टाइम। नतीजे अब तक याद है, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, जो दुनिया के लिए मील का पत्थर हो गया। '71 के बाद 1999 में करगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ के नाम पर पाकिस्तान ने गुस्ताखी की एक और कोशिश की। तब मिग 21 ने न सिर्फ घात लगाए घुसपैठियों पर गोलाबारी कर उन्हें नेस्तनाबूद किया, बल्कि पूरे इलाके की सही और सटीक तस्वीर भी मुहैया कराते रहे। स्पेशली जो हमने रात में स्ट्राइक किया, मूनलिट नाइट में स्ट्राइक किया उनके, वो उसका उनके ऊपर काफी असर पड़ा मनोबल पे। कमर तो एंड में टूट गई क्योंकि वो हार गए। हवाई जंग के करीब 100 साल पुराने इतिहास में जब हम आधी दूरी तय करते हैं, यानी कि 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। यहाँ तक कि खार खाए अमेरिकी भी मिग से सीधी भिड़न से बचना चाहते थे। सबसे खास बात ये, भारत को रूसी हथियार तब मिला जब अमेरिकी दादागिरी की वजह से कोई भी देश भारत की मदद को आगे आने को तैयार नहीं था। मिग 21 सेकेंड जनरेशन का फाइटर अपने डेल्टा शेप और स्लीक डिजाइन की वजह से दुश्मन की नजर में आता तो है, लेकिन सर पर सवार होने के बाद मोर देन 10,000 मशीन्स आर फ्लाइंग एंड करीब 40 कंट्री से ज्यादा इस एयरक्राफ्ट को यूज करती है, और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सर्वेज इसे वर्ल्ड का थर्ड बेस्ट फाइटर डिजाइन माना जाता है। मिग हर किसी का भरोसेमंद रहा है। एयरबेस के सीनियर मोस्ट एयर कमांडर विश्वास गौड़ अपने नंबर 2 विंग कमांडर नांदेकर के साथ मिग 21 की उड़ान पर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये डर रहे होंगे? जज्बा होता है, जुनून होता है, ये काम नहीं, इसे बोलते हैं जॉब, इज अ जॉब विच गिव्स यू प्लेजर। तो इसलिए हमको अच्छा लगता है फ्लाई करना, और एक जो फाइटर पायलट है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा यंग रहता है। जब भी मैं जहाज को हाथ लगाता हूँ वो एक सेट रूटीन फॉलो करना ही होता है, क्योंकि ये इस तरीके की डिसिप्लिन ट्रेनिंग हुई होती है हमारी एयरफोर्स में।
मिग की लागत दूसरे जहाजों के मुकाबले कम आई। कलाबाजी की बेजोड़ क्षमता के बावजूद इसका रखरखाव सस्ता और आसान है। इंडियन एयरफोर्स के शायद ही किसी पायलट ने मिग पर ट्रेनिंग नहीं ली होगी। बगैर मिग के टेस्ट में पास किए फाइटर पायलट बनना मुश्किल है। आए दिन जब भी कोई मिग हादसा होता है इंडियन एयरफोर्स पर ही सवाल उठने लगते हैं, मानो पायलट उड़ाना ही नहीं जानते हो या फिर एयरफोर्स ने कोई क्रैश टारगेट बना रखा हो। कोई इन जाबाजों की मजबूरी समझने को तैयार नहीं है जो अपनी उम्र खो चुके मिग को उड़ाने पर मजबूर है। हजारों किलोमीटर की लंबी सीमा दुश्मनों की तफरी के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। अगर पूछना है तो उनसे पूछिए जिन पर सेना को समय पर साजो सामान सप्लाई करने का जिम्मा है।